बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी माई एक्सपीरियंस। प्रियंका चोपड़ा एज इन पुलिस इंस्पेक्टर, काफ़ी टाइम बाद प्रियंका को ये रोल में देखा, सो शी इज सूटेड वेल, शी इज डन एक्शन वेरी वेल। गंगा जी जब आई थी तो उसे नेशनल अवार्ड्स मिले हुए थे, तो क्या लगता है कि ये प्रियंका चोपड़ा को, प्रियंका को भी मिलेंगे उसके एक्शन के लिए? एंड नाउ सिंस शी इज ब्लूमिंग, तो लेट्स सी, शी विल बैग मेनी अवार्ड्स। ओके, प्रकाश जो है डेब्यू कर रहे हैं इस मूवी में, एज ए एक्टिंग भी कर रहे हैं साथ साथ डायरेक्शन, तो क्या लगता है उनकी एक्टिंग कैसी? It was nice, very nice. As a debut, he did very well. लगता है कि प्रकाश जो acting skill जो है वो continue करना चाहिए। Why not? Why not? It's really good for him. He can continue. Definitely, he can do it. और songs की बात करें तो songs कैसे? Songs are very nice. Let's see, they'll be chartbusters for the year. Okay, out of 5, 4.5. How was the movie? Movie बहुत अच्छी लगी। प्रियंका की acting कमाल की है। पहली बार प्रियंका को देख के ऐसा लगा कि हाँ, लड़कियाँ भी ऐसे एक्शन के रोल्स कर सकती है, नहीं तो लोगों का वही माइंड सेट रहता था लड़के ही एक्शन करें, लेकिन इस प्रियंका ने एक्टिंग करके एक ज़बरदस्त कमाल कर दिया। और बात की जाए सिक्वल है तो कंपैरिजन होगा, अजय देवगन को नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, तो क्या लगता है कि प्रियंका कितनी खड़ी होती है? प्रियंका ने बहुत मेहनत की है, जो जो पिक्चर देखेगा हर कोई यही बोलेगा प्रियंका की एक्टिंग कमाल की है। उसने ऐसे एक मौका भी नहीं छोड़ा जहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सके कि हाँ प्रियंका थोड़ी सी चूक गई है या इनकी कम प्रैक्टिस थी। उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया और उन्होंने एक्टिंग तो निखारा ही है, साथ में उन्होंने वो रोल भी बहुत बखूबी निभाया। ओके, प्रकाश जो एज अ एक्टर कैसे रहे? डेब्यू उनकी डेब्यू थी, लेकिन उनको ऐसे देख के लगा ही नहीं कि उनका डेब्यू है। उन्होंने क्या एक्टिंग की है, जहाँ प्रियंका की एक्टिंग की प्रशंसा हो रही है वहीं उनकी भी एक्टिंग की हो रही है। देख के ऐसे लगा ही नहीं कि ये फर्स्ट टाइम मूवी में आ रहा है, जबकि वो इतने बड़े डायरेक्टर, उनकी पिछली मूवी भी थी, लेकिन उन्होंने भी ज़बरदस्त कमाल किया। प्रियंका को टक्कर बराबर की दी है। जय गंगा जय का टाइटल ट्रैक जो है वो ही मुझे फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फोर एंड अ हाफ ओनली फॉर प्रियंका। द मूवी वॉज रियली नाइस एंड आई थिंक मोर मूवीज लाइक दिस शुड बी मेड। प्रियंका की एक्टिंग मेरे को अजय देवगन की एक्टिंग से ज़्यादा अच्छी लगी एंड प्रियंका डिजर्व करती है। हाँ, डायरेक्टर ही इज बेटर बट एक्टर में भी ही कैन गो अहेड। ऐसे नन एज यू नो कुछ इतना भी खास नहीं लगा बट ओवरऑल अच्छे थे। 3.5। जय गंगाजल मूवी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले जो अजय देवगन ने काम किया था उसके बाद अभी प्रियंका चोपड़ा, वुमेन्स लुक, इट वॉज जस्ट अमेजिंग। प्रियंका चोपड़ा जस्ट नेल्ड इट, आई कैन से। गंगाजल को नेशनल अवार्ड मिले तो क्या लगता है कि प्रियंका ने जिस तरीके से, ऑफकोर्स इस मूवी को भी अवार्ड्स जरूर मिलेंगे, बिकॉज प्रियंका चोपड़ा अभी बॉलीवुड में ही नहीं हॉलीवुड में अपना जलवा दिखा रही है, और जय गंगाजल से उसने प्रूव कर दिया कि दैट वुमेन्स कैन स्टैंड एनीवेयर एंड दे कैन कम्पीट विद एनीवन। साथ ही साथ प्रकाश झा ने भी एक्टिंग का स्किल्स अपनाया, तो क्या कहेंगे? देखो वो तो डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, तो फिर एक्टिंग करना ऑन स्क्रीन शायद लोगों के लिए नया होगा, बट ऑफ स्क्रीन तो वो हमेशा ही एक्टर्स को एक एक्टर बनाते हैं, तो फिर आई थिंक ही वाज प्रीटी वेल। 5 में से कितने स्टार देना चाहोगे? 5 में से आई थिंक 4.5। सॉन्ग्स कैसे रहे? मूवी इज वेरी गुड बिकॉज प्रियंका चोपड़ा जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट किया आई थिंक ऐसा नहीं लगता है कि ये लेडी इंस्पेक्टर, ऐसा लग रहा है कि ऐसे लगता है कि अजय देवगन की नया अवतार आ गया सर। बहुत अच्छा एक्शन किया, जिसे पोर्ट्रेट किया बहुत अच्छा लगा। सीक्वल है कहीं ना कहीं कंपैरिजन होगा क्योंकि अजय देवगन को नेशनल नहीं, वो एक्चुअली अजय देवगन का अलग था या प्रियंका चोपड़ा का अलग था, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों का काम भी डिफरेंट है, और प्रकाश जब इसमें एक्टिंग भी कर रहा तो आई थिंक दोनों मूवी अलग अलग है, सिक्योर नहीं बोल सकते। प्रकाश जो एज एक्टर एक्टिंग स्किल अच्छे लगे या उनकी डायरेक्शन स्किल अच्छी लगे? दोनों अच्छे हैं बिकॉज यू नो जो वो एक्टिंग करते तो ऐसा लगता नहीं कि ऐसे डायरेक्टर हैं, बट जहाँ पे वो नहीं है उनके ऐसे दिखाई देते कि हाँ डायरेक्शन वाइज हो रहा, लेकिन अच्छा लगा मुझे। सॉन्ग्स की बात करें? हाँ, सॉन्ग्स बहुत सारे हैं लेकिन सिचुएशन सॉन्ग है, ऐसे नहीं कि मतलब डाला गया है, बट हर सिचुएशन में सॉन्ग है अच्छे लगे मुझे। 5 में से कितने स्टार? 3.5। सुपर ऑसम मूवी बाय प्रकाश झा, इवन ही इज एक्टिंग एंड द एक्टिंग पार्ट ऑफ हिज इज लाइक ओ माई गॉड, हैट्स ऑफ। एंड व्हाट अबाउट प्रियंका? प्रियंका इज ऑलवेज अ बॉक्स ऑफिस हिट, सो व्हाट डू यू वांट मोर? प्रियंका इज लाइक ओके,
भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है क्योंकि अजय देवगन को यही मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिला हुआ था, तो प्रियंका चोपड़ा ने एक लेडी इंस्पेक्टर का काम किया, तो क्या लगता है कि प्रियंका डिजर्व इन नेशनल अवार्ड? ऑब्वियसली प्रियंका डिजर्व्स, बिकॉज अजय देवगन एक अलग पॉइंट पे है, वो एक मेल का कैरेक्टर प्ले करा है, वेरस मेल पुलिस ऑफिसर, एंड प्रियंका इज अ लेडी पुलिस ऑफिसर हु वॉन्ट्स टू चेंज द डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, तो वो बहुत फर्क पड़ता है, तो ऑब्वियसली प्रियंका डिजर्व्स अ नेशनल अवार्ड. सुपर रॉकिंग सॉन्ग्स. व्हिच सॉन्ग डू यू लाइक? ओके, 5 में से कितने स्टार्स? 3 स्टार्स.